आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का आंदोलन विस्तृत रूप ले रहा है, जिसके समर्थन में कई संस्थाएं आगे आ रही हैं, जिनमें से भारतीय किसान यूनियन भी शामिल है। भारतीय किसान यूनियन के महाराष्ट्र अध्यक्ष श्री सुनील गंगवानी ने हमसे बात की। भारतीय किसान यूनियन के तरफ से मैं सुनील गंगवानी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष नाते, जो हाल ही में महाराष्ट्र में जो मराठा समाज ने जो आंदोलन छेड़ा है, तीन मुद्दों के ऊपर मैं भारतीय किसान यूनियन के तरफ से महाराष्ट्र के अध्यक्ष के नाते मैं पूरे मराठा समाज को समर्थन करता हूं। और उन्होंने जो तीन मांगे रखी है कि उनको शिक्षा और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए, मैं उनका समर्थन करता हूं। और उन्होंने जो एक मुद्दा और रखा है, जो कोपरडी गांव में जो किसान की एक बेटी जिसके ऊपर गैंग रेप करके तीन लोगों ने उसे बुरी तरह से मार डाला और उसको फांसी होनी चाहिए, ये मैंने भी मांग रखी थी। क्योंकि जब ये घटना घटी थी तो मैं पूरे किसान यूनियन पूरी टीम के साथ में उसी गांव में गया था, उनके परिवार से मुलाकात की थी और मैंने मुख्यमंत्री से ये भी चिट्ठी लिख के कहा है कि उसे फांसी दी जाए। और मैं तो यही कहूँगा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कि उसे बीच चौराहे पर फांसी देना चाहिए, कि आगे चल के किसकी हिम्मत ना हो ऐसे सोचने की और ऐसा ये काम करने की। तीसरी जो उनकी जो मांग है एट्रासिटी एक्ट बदल करने के लिए, मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो एट्रासिटी एक्ट है उसका मिसयूज हो रहा है। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि इसका कानून में थोड़ा बदलाव होना चाहिए कि जैसे इस पर मिसयूज ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय झूलेलाल। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास।